हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी अपने उषा सांगवान। अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है तो आज 3-4 बातें बताने चाहूँगी, कोशिश करना कि उसको इम्प्लीमेंट करवा सको। पहली बात, 8 साल से बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कर दो। 8 साल से 13 साल तक के बच्चों को छोटे छोटे काम दो। वाटर बॉटल फिल करना, सोफ़ा सेट ठीक करना, अपनी बुक्स अरेंज करना, अपने स्कूल यूनिफॉर्म को स्कूल से आकर के प्रॉपर वे में रखना, अपना लंच बॉक्स अपने बैग से बाहर निकालना, ये काम उसके लिए बहुत है। दूसरी बात, आज का बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लैपटॉप भी मांगेगा, वो फ़ोन भी मांगेगा। उसे लैपटॉप भी देना है, उसे फ़ोन भी देना है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी हेल्प है ना, इतने ऐप हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है। अगर आपका बच्चा 13 साल से ऊपर है तो कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स। आपको अपने बच्चे के साथ टाइम टू टाइम फ्रेंड बनना है, फ्रेंड बन के उसके मन की बात जानी। बच्चा ना वाकई में भोला बहुत होता है, वो कहता है मैं बहुत बड़ा हो गया। चाहे 25 साल का हो रखा हो, वो अपने आप को तुर्रम खान समझता है, लेकिन वो है बच्चा। माना उसके पास नॉलेज बहुत होगी लेकिन विजडम नहीं है, क्योंकि विजडम सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है जो हमारे पास है। अपने बच्चों को अपने साथ बिठाइए, साथ बिठा करके एक बार प्यार से पूछिए उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। जब वो आपको बता दें कहीं गलत हो रहा है तो उसी टाइम रिएक्शन मत देना, धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब मौका लगे तो प्यार से समझाते हुए उनको हैंडल करना। अगर बच्चा 9th to 12th में है तो बच्चे के सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करिए, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है ये जानने की कोशिश करिए और उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए। अगर बच्चे को कहीं ट्यूशन टीचर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी ट्यूशन में हेल्प करिए। अगर आप खुद पढ़ा सकते हैं तो खुद पढ़ाइए, क्योंकि आपसे बड़ा ट्यूटर उसे आपके बच्चे को कभी भी कहीं पर भी नहीं मिल सकता। ठीक है, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, अपने बच्चों को काम असाइन कर दो और एक बार बोलो पूरे वीक भर का काम आपका, और संडे आपको इस काम की रिपोर्ट मिलेगी। लग रहा है बच्चा नहीं रिस्पॉन्सिबल है, नहीं काम कर रहा, तो ज़रूरत पड़ने पे डोज भी दे दो।